तो देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है, हमारा जो पाठ है व्याकरण में, वो पाठ है तीसरा नंबर का पाठ है। इससे पहले आपको हम लिंग बता चुके हैं, संज्ञा भी बता चुके हैं, आज आपको हम वर्ण बताते हैं। जैसा यहाँ पर वर्ण लिखा हुआ है तो इस न का प्रयोग नहीं होगा। ये पंडित वाला जो न लगता है जिसको अन कहते हैं, उस न का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है, है ना। उसी को आज सीखना है कि कौन कौन सा ऐसा अक्षर है जिसका प्रयोग हमारे नागपुरी भाषा में नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो वर्ण को जानना होगा कि वर्ण किसको कहते हैं। तो जैसा यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, जो कलर किया हुआ उसको देखिएगा, तो लिखा हुआ है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। भाषा का जो सबसे छोटा ध्वनि होता है ना, उसको अक्षर कहते हैं। जैसे बोलेंगे हम राम आम खाता है, तो राम राम में कितना, दो अक्षर मिला हुआ है, मिला हुआ ना, और दोनों अक्षर मिलने के बाद एक शब्द बनता है राम, एक क्या हुआ, शब्द बना, शब्द बना, और उसी का छोटा पार्ट क्या हो गया, र। र क्या है, उसका छोटा पार्ट है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर, अगर अक्षर को आप तोड़िएगा तो क्या होगा, अ जोड़ छर, अ जोड़ छर, जिसका छर नहीं हो सकता है, जिसका क्षय नहीं हो सकता, अक्षय, या फिर अक्षर जो हमेशा के लिए क्या है, अजर अमर है, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो क्या सुनिए, क्या सुने आप लोग, फिर से एक बार सुनिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि यानी कि राम में र, राम में म, ये क्या, सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। और अक्षर का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो या जिसका कभी क्षर ना हो, और इसी अक्षर को हिंदी या नागपुरी में क्या कहा जाता है, वर्ण, क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, नागपुरी में उसको वर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ण। आगे, हिंदी में कुल 52 गो वर्ण होवेला, कै गो वर्ण होवेला, हिंदी में 52 गो वर्ण होवेला। आगे देखा भामिन, तो आगे में क्या लिखल है, नागपुरी में और हिंदी में दो प्रकार का वर्ण हुए ला, नागपुरी में और हिंदी में, दोनों में, दोनों हिंदी और नागपुरी दोनों बराबरे चलेला, दोनों में दो प्रकार का वर्ण हुए ला। कहने का मतलब है दो प्रकार का वर्ण होता है, पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है आपको व्यंजन वर्ण। अब थोड़ा सा हम लोग स्वर वर्ण का व्याख्या कर देते हैं यहाँ पे। पहला है क्या, स्वर वर्ण, समझिएगा स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण हमेशा स्वतंत्र होता है, स्वर वर्ण हमेशा स्वतंत्र होवेला। स्वर वर्ण कर उच्चारण बगैर केकरो मदद कर होवेला, है ना, स्वर वर्ण हमेशा स्वतंत्र होता है और इसका उच्चारण में किसी का मदद नहीं लेना पड़ता है। जैसे अ, अ को आप क्या कर सकते हैं, अ कभी हमेशा के लिए क्या है, स्वतंत्र है। आ हमेशा क्या है, स्वतंत्र है। ई, बड़ी ई, छोट ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है, और इनका उच्चारण बिना किसी मदद का होता है। और जिनका कि बिना किसी मदद से अगर उच्चारण हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। अगर परीक्षा में आपको दे दे, हिंदी भी लिखना है आपको, नागपुरी भी लिखना है आपको, समानांतर हम लोग पढ़ते चलेंगे हिंदी और नागपुरी। एग्जामिनेशन में मान लीजिए आ जाए कि वह कौन सा आपको वर्ण है जो हमेशा स्वतंत्र रहता है। ऑप्शन में रहेगा एक स्वर वर्ण और दूसरा रहेगा व्यंजन, तो आपको मारना होगा क्या, स्वर वर्ण, हमेशा क्या होगा आपका, स्वतंत्र होगा। अगला है हमारा व्यंजन, क्या है, व्यंजन। देखिए हिंदी में व्यंजन लिखते हैं, हिंदी में क्या लिखते हैं, व्यंजन लिखते हैं, नागपुरी में क्या लिखते हैं, व्यंजन, क्या लिखते हैं, व्यंजन। जैसा लिखा हुआ उसको देख लीजिएगा, हो सके एग्जामिनेशन में दे दे, व्यंजन को नागपुरी में क्या कहेंगे, तो देख लीजिएगा एकदम ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा, एकदम बच के रहिए, ध्यान पूर्वक बचते हुए रहिए। कहता है इकर उच्चारण स्वर वर्ण कर मदद से हुएला। देखिए स्वर्ण वर्ण हमेशा क्या था, स्वतंत्र है, लेकिन व्यंजन को कह रहा है कि ये स्वतंत्र नहीं है, इसका अगर इसका उच्चारण करना है तो इसमें आपको स्वर्ण वर्ण का प्रयोग करना ही होगा। जैसे एको देखते हैं क, जैसे लिखा हुआ अंडरलाइन में, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बोले नीचे जो जैसे में लिखा हुआ एग्जाम्पल जो लिखा है, क को तोड़ेंगे तो क्या होगा, क में नीचे हलंत और जोड़ अ, च में च को तोड़ेंगे तो क्या होगा, च के नीचे हलंत जोड़ अ, ट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ट में हलंत जोड़ अ। दुनिया में जितने भी व्यंजन है सब कर सब में का रहेला, अ, जितना भी व्यंजन है सब में क्या रहता है, अ रहता है। जैसे क वर्ग में क ख ग घ देख लीजिए, च छ ज झ, प फ ब भ, ट ठ ट ढ, य र ल व, कुछ भी देख लीजिए सब में अ मौजूद है। तो आपको पूछेगा, ध्यान रखिएगा, व्यंजन में क्या चीज हमेशा मौजूद, कौन सा अक्षर हमेशा मौजूद रहेगा, तो क्या रखिएगा याद, ये हिंदी में भी काम देगा आपको, नागपुरी में भी काम देगा। एकदम दिमाग में मत रखिएगा केवल नागपुरी पढ़ रहे हैं, आप दिमाग में सेट करके रखिए कि आप हिंदी और नागपुरी दोनों को पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है नागपुरी कर स्वर
और व्यंजन कर उच्चारण करीबे करीब हिंदी जैसन हो जिस चीज़ को हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारा स्वर कर प्रयोग नहीं हो, बहुत सारा स्वर ऐसा है जिसका प्रयोग क्या होता है नहीं होता है, नागपुरी में नहीं होता है, हिंदी में होता है। जैसे कृपा, सॉरी, जैसे आपको नीचे दिया हुआ अंडरलाइन घेरा बना के जो लिखा हुआ उसको देखिए, क्री मृ ली री, इसका प्रयोग हिंदी में होगा नागपुरी में नहीं होगा। जैसे एक शब्द हिंदी का लेते हैं कृपा, क्या लिए कृपा, आप बोल रहे हैं कि क्री का प्रयोग नहीं होता तो नागपुरी में कृपा तो हमको बोलना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कृपा करू हमारे ऊपर, कृपा करू देवी माए, बोलते हैं ना। हाँ, आगे जैसे मृत्यु, क्या हो गया मृत्यु, तो नागपुरी में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, मृत्यु, क्या बोलेंगे, मृत्यु नहीं बोलते हैं, उकर मृत्यु हो गला, क्या बोलते हैं हम लोग, उकर मृत्यु हो गला, बाद में अपभ्रंश हो गया तो बोले वो मोर गलत, मृत्यु से क्या हो गया मोर गलत। ध्यान दीजिएगा, क्री मृ लिरी री, एग्जामिनेशन पूछेगा नागपुरी में निम्नलिखित में से किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा क्री मृ लिरी और री का। आगे है व्यंजन में क वर्ग, क वर्ग मतलब क्या, क ख ग घ, अंग च वर्ग, च छ ज झ इया, ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, प वर्ग, प फ ब भ म, और य र ल व स ह कर प्रयोग हुएला, इन सब का प्रयोग होता है, लेकिन इनके बीच से बहुत ऐसे अक्षर हैं जिनका प्रयोग नहीं होता है। अब उसको जानना है कौन कौन, अंग, अंगा का कोई प्रयोग नागपुरी में नहीं है, इया, इया का कोई प्रयोग नागपुरी में नहीं है, अन, वही वाला पंडित वाला न जो लिखा हुआ है, अन, अना का कोई प्रयोग नागपुरी में नहीं होवेला। अंग, अन और इया, अगर भाई इसका प्रयोग नहीं होता है तो उकर कोनो तो यूज हो भी नहीं, कहीं ना कहीं तो उकर बदले में, अगर मान लो कोई शब्द बन रहा था उकर में अंग लागल है, उकर में अन लागल है, पंडित में अन लागबे करी, नहीं लागी, लागबे करी, हाँ नहीं, इया लागबे करी, कोई कोई शब्द है उकर में, अब उस शब्द ले कौन शब्द कर नागपुरी में प्रयोग होवेला, तो ई शब्द कर, शब्द कहती ई सब अक्षर का जगह में न कर प्रयोग होवी, केकर प्रयोग होवी, न कर प्रयोग होवी। जैसे भिंडी, भिंडी के का कहल जाना नागपुरी में, भेड़वा, का कहल जाला भेड़वा, ऐसे राम तोराई भी कहल जाला, ओके, का कहल जाला राम तोराई भी कहल जाला, तोराई भी कहल जाला, परीक्षा में पूछ चुके भिंडी का नागपुरी का होला, तो भेड़वा भी होला, तोराई भी होला और राम तोराई भी होला। अगला है और भंडार, का लिखल है भंडार, तो भंडार के का लिखल जाला भंडार, का लिखल जाला ऊपर में बिंदु आ जाला, ठीक है, ध्यान रखा भी के। अगला जो है और कौन कौन अक्षर है जेकर प्रयोग नहीं होवेला, तो भाई तालव्य सकर, ठीक है, मूर्धन सकर, अब मूर्धन स जे हम पेट काटा स कहला है ना, वह सह के तालब स काले कहले मालूम है, काले के ऊपर उच्चारण तालु से होवेला, से लोग के तालब स कहला, ये मूर्धन स है ऊपर उच्चारण मूर्धा से होवेला, से लोग के हमें मूर्धन स कहला। कर बदले धंत स कर प्रयोग होला, धन स नहीं होवेला, हमें बचपन से धन स कहला नहीं, दंत स, काले कि ई स कर उच्चारण स से कहाँ से होवेला, दाँत से, कहाँ होवेला, दंत से, दाँत से, ध्यान रखब। तालब स और पेटकाटा स कर प्रयोग कर बदले हम इन कौन सब कौन अक्षर कर प्रयोग करी ला, दंत स कर, कौन स कर, दंत स कर। जैसे राउल लिखल रही भाषा, तो भाषा के हम इन कैसे लिखब, लिखल है यहाँ भाषा लिखल है, देश, देश के कैसे लिखब, धन स लगाब हुआ, भेष, भेष में का लगाब, फिर दंत स लगाब, दोष, दोष में का लगाब, दंत स लगाब। अगला है य कर ठावे, के कर ठावे, य कर ठावे, ज और ज और अ कर प्रयोग होवेला, क्या बोला, य के स्थान पर क्या किसका किसका प्रयोग होता है, ज और अ का प्रयोग होता है। जैसे योगेंद्र, क्या है, योगेंद्र, तो योगेंद्र के नागपुरी में योगेंद्र नहीं कहना, जोगेंद्र, क्या कहना, जोगेंद्र। संयोग, संयोग के क्या कह, संजोग, य देखो ज बनत है कि नहीं बनत है, य ज बन जाते, यदि, यदि, य फिर ज बन गलत, शून्य, शून्या बन गलत कि नहीं, तालब सभी बन गलत बनलक नहीं। हाँ, तो ध्यान रखब कि य कर ठावे केकर केकर प्रयोग होवेला, तो ज कर और अ कर प्रयोग होवेला। आगे है हम इनकर अक्ष, का है, अक्ष, अक्ष कर ठावे छ कर और ख कर प्रयोग होवेला, केकर केकर प्रयोग होवेला, अक्ष कर ठावे छ और ख कर प्रयोग होवेला। जैसे पक्षी, पक्षी के का कह हम पंछी कहिला, क्षमा, क्षमा के कौन सा छ से लिखाते, ये देखो छतरी वाला छ से क्षमा लिखाते, फिर देखो यक्ष, यक्ष में फिर कौन छ आए गलत, नागपुरी वाला में छतरी वाला छाए, लक्ष्मी, लक्ष्मी के कहियो लक्ष्मी ने कब का पूजा करे जाती भाई, कह बोले बताई लक्ष्मी पूजा करे जाती, छ कर उपयोग होबे नहीं करेला।
अगला है राउर क्षेत्र, क्षेत्र के का कहे ना नागपुरी में खेत, ऐसे खेत शब्द अब हिंदी में बन गया है ना, जे खेत हुआत रहे उनके क्षेत्र कहल जात रहे, लेकिन छे के छे करते करते आदमी छे छे करते उके खे कर दिल, और क्षेत्र कर जगह में का हो गया आज के समय में खेत। अब अगला जो है राउर ल कर ठावे, र कर प्रयोग होवेला, ल कर ठावे के कर प्रयोग होवेला, र कर प्रयोग होवेला, जैसे बादल, बादल के का कहे ना बदरी, का कहे ना बदरी, साल, साल हमें नहीं कहिला, साल के नागपुरी में का कहल जाला एग्जाम में पूछ चुके है, बछर, का कहे ना बछर, बैलगाड़ी के का कहल जाला सगड़, का कहल जाला सगड़, ध्यान रखब दोनों क्वेश्चन पूछल है लिख लो बुके, कुदाल, कुदाल के का कहल जाला कुदारी, और इस प्रकार से आइज हम इनकर का समाप्त हो गलक वर्ग, और वर्ग में ज्यादा कुछ न के रावरे अगर ध्यान पूर्वक पढ़ ली तो बहुत अच्छा से राउर एग्जाम बीत जाए, एकदम हड़बड़ाए के नहीं है, एकदम डराए के नहीं है, 2-3 महीना राउर जगह है, भाषा विवाद चलते है हाँ, 1-2 महीना राउर एक्सटेंड होवे करी परीक्षा, एकदम मन लगाए के ढंग से पढ़ू और 100 में 100 नंबर के उठाऊ।